बॉलीवुड को फैशन पेजी 3 और हीरोइन जैसे हिट फिल्में देने वाले मधुर भंडारकर 26 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मधुर भंडारकर से जुड़ा आज एक ऐसे किस्से के बारे में बताते हैं जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। यह बात साल 2011 की है और इसमें शामिल थे अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय। दरअसल मधुर ने ऐश के साथ अपना ड्रीम प्रोजेक्ट साइन किया था। दोनों साथ में फिल्म बनाने जा रहे थे। ऐश ने फिल्म साइन कर दी थी लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात डायरेक्टर को नहीं बताई, वो थी उनकी प्रेगनेंसी की बात। हम बात कर रहे हैं फिल्म हीरोइन की। इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या मधुर भंडारकर की पहली पसंद थी। ऐश ने फिल्म साइन कर दी थी लेकिन मधुर को ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मधुर ने इस फिल्म को बनाने से पहले 1.5 साल तक रिसर्च किया था। इसमें मधुर का खून पसीना लगा था। यह मधुर का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। मधुर के लिए कोई छोटी फिल्म नहीं थी जो 2 लोकेशन में ही शूट हो जाएगी। मधुर ने इसके लिए 40 लोकेशन फाइनल की थी। कई सारी एक्ट्रेस और एक्टर को साइन किया था। इस फिल्म में नॉर्मल गाने या डांस ही नहीं एडल्ट कंटेंट भी होने वाले थे। लेकिन जब मधुर को ऐश की प्रेगनेंसी की बात पता चली तो वो बेहद नाराज़ हुए और उन्होंने ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया। मधुर ने बताया फिल्म में ऐसे सीन थे जो किसी भी इंसान के दिमाग पर गहरा असर छोड़ सकते थे। फिल्म की 8 दिन की शूटिंग हो चुकी थी तभी मेरी एसोसिएट डायरेक्टर एक एक्ट्रेस के साथ रिहर्सल कर रही थी। वो स्लिप हो गई और उसे काफ़ी चोट आई। आज जब मैं ऐश को देखता हूँ तो मुझे काफ़ी दुख होता है। मुझे लगता है कि अगर मेरी एसोसिएट की जगह ऐश गिर जाती तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। फिल्म में एक्ट्रेस को स्मोक करना था लेकिन प्रेगनेंट महिला के लिए स्मोकिंग ठीक नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि ऐश कैमरे में स्मोक करने से मना कर देते। फिल्म में कई चीज़ें ऐसी थी जो एक प्रेग्नेंट महिला को नुकसान पहुंचा सकती थी। हमें ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी की खबर एक न्यूज़ चैनल से मिली, तब वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये फिल्म इंडस्ट्री विश्वास पर चलती है जिसे ऐश्वर्या ने तोड़ दिया था। इस फिल्म की घोषणा कांस में हुई थी। फिल्म की कुछ शूटिंग हो चुकी थी और 65 दिन की शूटिंग बची हुई थी। हम कैमरे पर 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट एक्ट्रेस को नहीं दिखा सकते थे। हमने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया और इस वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं 8 दिन तक ऑफिस नहीं गया। मुझे लगा कि ये सच दुनिया को बता देना चाहिए, इसीलिए बता दिया। फिल्मी अड्डा से शिवांगी शुक्ला की रिपोर्ट।